Okay, Lanu. जय हो। सब लोग पहले जुड़ जाइए। सब भाई लोग पहले जुड़ जा और फिर सब बात कर जाए फिर हमनी के। आयुष राज संजय यादव हेलो भाई, सरदार जी प्रणाम प्रणाम भाई, कुलदीप कुमार बाबा जी प्रणाम, सिंगर राकेश लाल यादव सी का पीएन, प्रदीप तिवारी हर हर महादेव, लव यू भाई। सब लोग जुड़ जाइए और एक गो शेयर मारी तनी सबके हो ताकि सब भाई के पास पहुंच जाए, सब लोग जुड़ जाए और कोई बाकी ना रहे। सोनू झा आई लव यू मेरा भाई। अभिजीत राठौर प्रणाम प्रणाम भैया। मनोज कुमार भूमि राजा राम राम। सब केहू के हम गुंजन सिंह पैर छू के प्रणाम करते नहीं, गोर लगते नहीं भैया। और आप सब हैं तो हम हैं, आप सबका आशीर्वाद है तो आज गुंजन सिंह है, चाहे कोई भी कलाकार सब है। अभी हम अयोध्या में शूटिंग कर रहे हैं एक पिक्चर का, हमार परिवार हमार संसार, बहुत ही साफ सुथरा फिल्म है जो कि पारिवारिक फिल्म है, आप सब घर परिवार सब बैठ के एक साथ देख सकते हैं। एगो बात कहे खातिर हम लाइव आई लानी कि कुछ लोग का जाने हमरा से का दिक्कत बा, टारगेट कर देले बा कि गुंजन सिंह को गाली देना है, गुंजन सिंह के माई बहन सबके गाली देवे के बा। ये बताइए भैया, आप ही लोग बताइए, आप लोग ईश्वर समान हैं और मैं खुद अश्लीलता के खिलाफ हूँ, मैं अश्लीलता के साथ नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ आप सबसे कि मैं गाना कुछ गाया हूँ लेकिन बहुत पहले गाया हूँ, अभी के दौर में मेरा कोई भी गाना बताइए जो कि अश्लील हो, कोई भी गाना ऐसा जो हो कि अश्लील। अभी इधर जो भी दौर में कोरोना पे गाना गाया, करोनावा लेता जनवा, आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, 2 से 2.5 करोड़ लोग उसको देख चुके हैं। बबुआ मरल भूख से पिछले साल में गाया था जब कोरोना आया था, वो भी आप लोग 110 मिलियन से ज़्यादा मतलब कि देख चुके हैं, आप लोग 115 मिलियन हो गया होगा। उस गाने के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है कि आप वो गाना गाए थे भैया, आप कोरोना वाला गाना गाए थे, आप मजदूर के गाना गाए थे। मैं मगही में भी गाया हूँ, बहुत 100-150 गाना गाया हूँ मगही में सिर्फ, और फिर भोजपुरी में 100-200 गाना, फिर सैड सॉन्ग 100-200 गाना। तो आप लोग देखते हैं हमेशा कि मैं जो भी मुद्दा आता है, कोई भी बढ़िया जो हम लोगों पे घटता है, हम सभी भाइयों पे, मैं उसको गाता हूँ। अब बबुआ मरल भूख से 115 मिलियन चल गई, इसके बारे में कोई बोला क्या कि गुंजन सिंह ने ये गाया है, बहुत अच्छा गाना गाया भैया। मैं मगही में गाया कि कीन दाना 1600 के सड़िया, मैं गाया कि कलकत्तावा से अले मोर सजनवा है, तोरा बिना दुनिया वीरान लागे गोरी रे, ऐसे सैकड़ों गाने। मैं तो अश्लीलता का खुद खिलाफ हूँ भैया, लेकिन अगर कुछ गाने हम गा दिए पहले जो कि शुरुआत में ऐसा कौन नहीं गाया है, एक भी नाम जुड़ा दीजिए, वो हम लोग का दोष नहीं है क्योंकि हम लोग सब उस समय नए होते हैं, हर कलाकार नया होता है, उसको क्या पता कि कौन सा गाना क्या है, क्या गाएंगे तो क्या चलेगा। मैं गाया जरूर गाना 2-4-5, ऐसा नहीं कि गाना नहीं गाया होगा, 2 अर्थी गाना, लेकिन आज के दौर में जो मेरे गाने आ रहे हैं उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं,
मतलब ये कहना जरूरी है और कि आप समझाएंगे अश्लीलता दूर करना है तो कैसे दूर हो सकता है, हम भी साथ हैं अश्लीलता दूर करने वाले का, हम भी साथ हैं, हम भी अश्लीलता के खिलाफ हैं, तो क्या आप किसी की माँ बहन को गाली देकर अश्लीलता दूर करेंगे? ये आप लोग सोचिए, आप लोग खुद सोचिए कि गुंजन सिंह को गाली देवे चाहे वो किसी भी कलाकार को गाली देवे। अब गुंजन को गुंजनवा कहने वाले मेरे फैंस कह सकते हैं, जो मुझसे प्यार कर सकते हैं, हम लोग कुछ बोल देंगे कोई दिक्कत नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ। अब पवन सिंह को पवनवा बोले, खेसारी लाल यादव को खेसरिया बोले, मसूरिया बोले, ये क्या शोभा देता है? ये अश्लीलता हटाने का कौन सा संकल्प है भाई? अगर आपको ठीक ही करना है अश्लीलता, हम खुद अश्लीलता के विरोध हैं, अश्लीलता नहीं रहना चाहिए, कोई गाना नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये क्या है कि कोई गाना बजाना है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी को नहीं कुछ कहने वाला हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कोई भी जो ऐसा बना रहे अश्लीलता के खिलाफ काम कर रहे हैं, एक लहजे में आकर काम करें तो अच्छा रहेगा। ये नहीं कि गुंजन सिंह के बहन के गारीदा, माई के गारीदा, पवन सिंह के गारीदा, खेसारी लाल के गारीदा, अन्य सभी कलाकार को गारी दीजिए, ये कौन बोला है किसी को भी? अरे भैया अश्लीलता हटाना है, हम भी तो करें कि अश्लीलता हटाना है, लेकिन ये तो नहीं है ना कि आप गाली देंगे उसकी माँ बहन का, इसमें क्या गलती है भाई किसी के माँ बहन का? उसको गाली देने वाले आप कौन होते हैं? मैं कह तो रहा हूं कि मैं पहले कुछ गाया होगा, हो सकता है 2-4-5-10 गाना निकल जाए शुरुआत में, तो किसका नहीं है ऐसा? सिर्फ गुंजन सिंह को जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है उस पे अभद्र अभद्र गालियां दिया जा रहा है, ये क्या है? गाना बजाना है और गुंजन सिंह को गरियाना है, ये क्या है भैया? अगर गरियाने से आप खुश हैं तो आप खुश रहिए, गरियाइए और गाली दीजिए मुझे। गजब हो गए भाई, हम परेशान हो गए, नहीं हम शूटिंग करें कि यह सब बर्बाद करें? ठीक है कोई भी कलाकार से कुछ गलती अगर हो जाता है तो उसके लिए कलाकार कहता है भैया कि हमसे गलती हो गई है, मैं भी कह रहा हूं कि मैंने कुछ पहले गाया है, उसके मतलब आप ये नए में जो मैं इधर जो गाना गाया हूँ लगभग 400-500 गाना, इतने अच्छे अच्छे गाना गाया, उसके बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं करते हैं? ये क्यों नहीं कहते हैं गुंजन सिंह ही गाया था तोरा बिना दुनिया वीरान लागे गोरी रे, करोनवा लेता जनवा दुश्मन करोनवा, मैं रात भर जग के शूटिंग करूं, दिन भर शूटिंग करूं, और भाई ऐसा मत कीजिए, किसी को परेशान इतना मत करिए, मेरे भी चाहने वाले बहुत हैं और मुझसे प्यार करने वाले हर जाति के लोग हैं, मुझे सभी प्यार करते हैं और सभी मोहब्बत करते हैं, इसी मोहब्बत से आज गुंजन सिंह है इस जगह पे।